G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और विश्व के अन्य नेताओं के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। इस बैठक में पेरिस में हुए बर्बर आतंकी हमले, सीरिया में युद्ध और जिहादी इस्लामी स्टेट जैसे मुद्दे हावी रहे। G20 शिखर सम्मेलन में जहां मुख्य रूप से इकोनॉमिक और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर चर्चा होती है, वहीं पहली बार सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपनी बात को रखते हुए कहा, आज हम आतंकवाद के बर्बर हमलों के साए में जी रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना G20 की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही मोदी ने कहा, पूरे मानव समाज को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़ा होना चाहिए। उन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। ब्रिक्स देशों की भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए। गौर हो, G20 सम्मेलन से पहले पेरिस में हुए आतंकी हमले जिसमें 129 लोग मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी IS ने उठाई थी, G20 सम्मेलन पर मुख्य रूप से बना रहा। इस घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जोर दिया गया और विश्व के नेताओं को आपसी सहयोग बढ़ाने पर दबाव दिया गया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।